सिंगापुर में पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट छा गए। पाकिस्तानी पहलवान ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। इनाम बट ने पहले दो राउंड्स में हरीफों को चित कर दिया। तीसरे टाकरे में इनाम बट ने रोमानिया के पहलवान को 3-0 से मात दी। फतह के साथ इनाम बट ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस कंटेंडर्स में पाकिस्तान की हूर फवाद की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा, सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। स्वीडन में होने वाले वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस कंटेंडर्स में अंडर 15 मिक्स डबल्स में पाकिस्तान की हूर फवाद ने ट्यूनिस के वसीम एसद के साथ सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। सेमीफाइनल मुकाबले में हूर और एसद की टीम को पोलैंड के पेयर ने 3-1 से शिकस्त दी। पोलिश टेनिस स्टार ने तीसरी मर्तबा फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्रेंच ओपन फाइनल में ईगा श्वांटेक ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मखोवा को आउटक्लास कर दिया। फतह के बाद जीत की खुशी मनाते ईगा श्वांटेक ने ट्रॉफी को इतनी जोर से हिलाया कि उसका ढक्कन ही गिरा बैठी। UFC स्टार कॉनर मैकग्रेगर ने NBA मैस्कॉट को नॉकआउट कर दिया। नगेट्स और हीट के दरमियान मैच देखने के लिए आने वाले UFC फाइटर ने मैस्कॉट को दो जोरदार मुक्के जड़ दिए। जॉकी की महारत और घोड़े की रफ्तार का शो। न्यूयॉर्क में होने वाली बेलमॉन्ट स्टेक रेस आर्कांजेलो नामी घोड़े ने जीत ली। स्टैनले कप फाइनल गेम 4 में फ्लोरिडा पैंथर्स की फतह। फ्लोरिडा पैंथर्स ने वेगस गोल्डन नाइट्स को 3-2 से शिकस्त दे दी। तेज पेडल्स के साथ सबसे आगे निकलने का मिशन। फ्रांस में जारी साइकिल रेस का 7वां मरहला डेनिश साइक्लिस्ट ने जीत लिया।